हेलो स्टूडेंट्स, आइडल एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम लेक्चर 2 चैप्टर 7 का एटॉमिक थ्योरी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर का नाम है। लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि चैप्टर जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है, एटॉमिक थ्योरी और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक थ्योरी की बात कर रहे थे अपन लेक्चर 1 में। अपन ने एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन एंड एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन की बात की। आज लेक्चर 2 में हम रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो है इसकी बात करेंगे। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को अपन ने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी स्टडी करेंगे। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और ड्रॉबैक्स। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, एक पतली गोल्ड फॉइल ली, बिल्कुल बारीक, एकदम पतली। इसके चारों ओर उन्होंने जिंक सल्फाइड से कोटेड कोटिंग कर दी इसको, ताकि जब इस स्क्रीन पर अल्फा पार्टिकल्स टकराएं तो एक स्पॉट बनता है, फ्लैश होता है लाइट का, जिससे पता चल जाता है कि अल्फा पार्टिकल्स कहाँ जाके टकरा रहा है। इसलिए उन्होंने जिंक सल्फाइड का कोटेड किया इस पे स्क्रीन पे। अब यहाँ से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बमबारी करवाई, गोल्ड फॉइल के थ्रू उन्होंने पास किया और अल्फा पार्टिकल्स जो है जाके स्क्रीन पे टकराए। ये उनका एक्सपेरिमेंट था। ये अल्फा पार्टिकल्स हैं। ये स्क्रीन है और ये गोल्ड फॉइल है। इसके बाद जब एक्सपेरिमेंट हो गया तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया इस एक्सपेरिमेंट में कि क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा। तो उसकी अगर बात करें अपन, तो अपन इसको अपन ले लेते हैं, जैसे एटम की बात कर लेते हैं कि ये एटम है मान लीजिए हमारा। तो ऑब्जर्वेशन में उसने देखा कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, बैंड नहीं हुए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पास से बैंड हुए और 1 out of about 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, 20,000 में से लगभग एक अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ पर वापस आ गया। ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया अपने एक्सपेरिमेंट में। ऑब्जर्वेशन करने के बाद में उन्होंने कंक्लूजन दिया एटम के बारे में कि एटम कैसा होता है। तो उन्होंने बताया कि एटम जो है उसका मोस्ट ऑफ पार्ट जो है खाली होता है, एम्प्टी होता है। और उस एटम के अंदर सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट होता है। पॉजिटिव पार्ट को उन्होंने कहा न्यूक्लियस। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव फास्ट इन द सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में जो है मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस।
इस सर्कुलर पाथ में, इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। इस सर्कुलर पाथ को उन्होंने ऑर्बिट कहा, ऑर्बिट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया, तो आप बता सकते हो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। एटम के बारे में ये चीजें बताई कि ज्यादातर एटम का पार्ट जो है खाली होता है, एम्प्टी। एटम का पॉजिटिव चार्ज एक सेंटर्ड में स्मॉल वॉल्यूम में रहता है, एटम के स्मॉल वॉल्यूम में, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है मूव करते हैं, जिस पाथ में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसको ऑर्बिट बोलते हैं। अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स की, कि इनके मॉडल में, इनके जो एटॉमिक मॉडल इन्होंने दिया, इनका जो एक्सपेरिमेंट करके एटॉमिक मॉडल दिया, उसमें कुछ कमियां थी, कमियां या फिर कुछ पूरी बातें नहीं बताई गई। तो क्या कमियां थी, देखिए अगर हम बात करें रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग, तो इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों रोटेट करते हैं, और मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उनकी थ्योरी है, उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि अगर इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी रेडिएशन धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। रेडिएशन निकलती है उनमें से जब वो राउंड करते हैं, तो रेडिएशन निकलती जाएगी और एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और डिक्रीज होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों राउंड कर रहा है, वो राउंड करता 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 एक एट लास्ट वो न्यूक्लियस में समा जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर फोल्ड डाउन हो जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट हम जानते हैं एटम क्या है, स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहे हैं पर एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रही है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फोल्ड डाउन नहीं हो रहा, इसलिए वो स्टेबल है। तो अपन कह सकते हैं कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। इन्होंने एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। सेकेंड, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम। एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है या एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता मॉडल। ये जो वर्ड है स्पेक्ट्रम, ये देखिए क्या है, हम अगर प्रिज्म में से वाइट लाइट को पास करें तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। स्क्रीन पे अपन को 7 कलर्स की पट्टियां कह सकते हैं या लाइन कह सकते हैं दिखाई देती है, जैसा कि रेनबो में नजर आता है 7 कलर, तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो एटम के अंदर से भी अगर लाइट पास होके स्क्रीन पे जा रही है तो वो कलर्स में डिवाइड हो रही है, स्पेक्ट्रम है उसका, स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको एटम का, एटॉमिक स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। इसकी डिटेल से बात आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे, 11th में है। तो ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, रदरफोर्ड मॉडल इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो स्टूडेंट्स, ये अपना रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था, एटॉमिक मॉडल कह सकते हो आप इसको रदरफोर्ड का। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3rd में हम नील्स बोर की बात करेंगे। आपको मैं एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, एक क्वेश्चन ये है अपना कि रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल ही क्यों ली अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल का सिलेक्शन क्यों किया, आयरन की क्यों नहीं ली, सिल्वर की क्यों नहीं ली, कोई और क्यों नहीं ली, किसी और एलिमेंट की क्यों नहीं ली, गोल्ड फॉयल
सिलेक्ट करने का क्या रीजन था उसका? आप इसका आंसर सोचिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको, ठीक है स्टूडेंट।